तो हमारे साथ लखनऊ से संजय त्रिपाठी जुड़ेंगे, गोरखपुर जेल से नीरज श्रीवास्तव जुड़ेंगे, दिल्ली से निपुण सहगल जुड़ गए हैं, वहीं वीरेश पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कोर्ट से जुड़ रहे हैं निपुण सहगल। निपुण, इसकी बारीकियां समझाइए कि पूरा मामला क्या था, रोक की मांग की गई थी लेकिन अभी वो नहीं मिली है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल विवेक, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला लगा, निधि शुक्ला की तरफ से वकील कामनी जायसवाल पेश हुई, उन्होंने कहना शुरू किया कि कल रात में रिहाई का आदेश जारी हो गया है। इसकी भाषा देखकर ऐसा लग रहा जैसे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रिहाई हुई। जजों ने कहा ये सारी बातें ठीक हैं लेकिन क्या आपकी बात को मानकर हम अचानक से रिहाई पर किसी की रोक लगा दें, ये हमें उचित नहीं लगता है। एक आदेश पारित हुआ है, आप उसको चुनौती दे रही हैं, तो हम उस पर सरकार से जवाब मांगेंगे कि किस तरह से आदेश दिया गया है। लेकिन हम ये नहीं समझते कि आपकी बात को तुरंत सुनते हुए इस पर रोक लगा दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते में जवाब मांगा यूपी सरकार से और साफ तौर पर रिहाई को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया है। ऐसे में रिहाई का रास्ता साफ है अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि के लिए। बिल्कुल, और इसके अलावा चलिए अब हम रुख करते हैं लखनऊ का और जानने की कोशिश करते हैं संजय त्रिपाठी से कि आखिरकार कौन सी चीजों को देख करके ये रिहाई का आदेश आता है, क्योंकि बहन जो है वो साफ तौर पे कह रही है कि अच्छा आचरण कैसे जब वो गोरखपुर में बीआरडी में मौजूद थे। देखिए बताया जा रहा है इसने था कि ये सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश थे कि जिन आजीवन कारावास के कैदियों ने 20 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा पूरी कर ली है और उनका आचरण अच्छा है उनको जेल से रिहा कराया सकता है। और इसी निर्देश के बाद में अमरमणि ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। और उसी के बाद में लगातार जो सुनवाई हुई और आदेश पारित हुआ है उसके आधार पर ही ये रिहाई की गई है। कोई भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपनी तरफ से कोई इसमें इनिशिएटिव नहीं लिया गया है और जो भी कार्रवाई की गई है वो कोर्ट के निर्देशों पर ही किए जाने की बात कही गई है। तो ऐसे में जो उसको रोकने के लिए याचिका निधि शुक्ला ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा माना जा रहा था और ऐसा जो कानून के जानकार हैं उनका भी कहना था कि उसमें बहुत राहत निधि शुक्ला को मिलने वाली नहीं है। अब तैयारी की जा रही है गोरखपुर में कि जैसे ही जिलाधिकारी की ओर से ये परवाना जारी किया जाएगा गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, चूंकि अमरमणि और मधुमणि दोनों इस वक्त मौजूद हैं, तो यदि ये भी हो सकता है कि उनको जेल ले जाया जाए और जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो जेल से पूरी की जाए। उसके लिए पूरी तैयारियां हो रही हैं और बस इंतजार किया जा रहा है डीएम के ऑर्डर का, उसके आने के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी, बशर्ते कि एक पेच ना फंसे किसी अन्य मुकदमे में, क्योंकि अमरमणि पर कई और पहले के मुकदमे भी चल रहे हैं, किसी और मुकदमे में उनकी सजा को लेकर के उनके या बिल्कुल किसी भी संजय, देखिए ये तमाम चीजें बहुत पेचीदा होती जा रही हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।